आपत्तिजनक अग्रेस शब्द, हम तो किसान हैं। पहले सुनिए, पास दिया उनको लगा सैकड़ों आईएएस बने, आईपीएस बने। हमारे जो देश में सांसद हैं 543 है, आप उन सबको आशीर्वाद देते हैं, ऐसा आशीर्वाद जनता को भी दे दीजिए जो इन पर BMW और मर्सिडीज गाड़ी हो जाए। कांग्रेस की शासन में यहाँ से लेके बम्बई तक ब्लास्ट हुई थी, आज मोदी की सरकार में चौड़ा होके घूम रहे हो। हमको तो धन त्याग है ना, तो पैसा चाहिए नहीं। अभी आपका है राहुल गांधी के साथ आशीर्वाद या नहीं? अभी किसी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ। अब किसी जो मुझे, मैंने 30 साल तो त्याग किया, अब जो मुझे देगा कुछ उसी के साथ होगा। दाऊद ओपन घूमता था मुंबई में कांग्रेस के राज में। नमस्कार भैया जी गजब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी गजब। मेरे साथ आपका क्या नाम है? विजय मिश्रा। विजय मिश्रा जी कहां से आए हैं? प्रतापगढ़ यूपी। अभी आपने एक चालीसा सुनाया, हमारे दर्शकों को एक चालीसा फिर से सुना दीजिए। क्या सुनाया है अभी आपने? ये चालीसा जो समाज की आज राजनीति की व्यवस्था चल रही है उस पर अपने 3 दशक के त्याग की मैं बात बता रहा था। 1985 में हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की नौकरी की परीक्षा दिया, जो भारत में प्रथम स्थान मुझे प्राप्त हुआ, और वहाँ पे गरीब बच्चों को जो बाला साहब ठाकरे वहाँ पे आमची मुंबई आमची मंगोला वहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को परेशान किया गया, हमने नौकरी छोड़ दी 85 में। और उसके बाद प्रमोद नौकरी रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट में। अच्छा, हाँ। उसके बाद प्रमोद महाजन और अटल जी के साथ मैं 92 तक साथ में रहा। हाँ। प्रमोद महाजन माने जनरल सेक्रेटरी 86 में थे। उसके बाद 92 में हम अयोध्या जेल गए। जेल भी गए? हाँ, राम आंदोलन में। अच्छा। और वहाँ मुझे मैंने कसम खा ली कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक हम धन और पद नहीं लेंगे। मुझे कल्याण सिंह ने मंत्री बनाया, हमने कहा मुझे नहीं बनना है। आज भी मेरा कच्चा मकान है, अकाउंट नहीं है, जनधन में भी नहीं है, किसान निधि भी नहीं लेता हूँ, अब हिंदुस्तान के किसी पार्टी के नेता की चाय नहीं पिया हूँ, और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। और तो आपसे समाज को क्या फायदा हुआ है? आपने सारी फायदा नहीं, समाज का फायदा ये हुआ कि आशीर्वाद दिया उनको लगा सैकड़ों आईएएस बने आईपीएस बने। मुझे भी कुछ आशीर्वाद तो अगर उसको तो तुम तो हमको समाज की बात बता। आज मार्केट में किसी को ये विश्वास नहीं। आप मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए, बताइए कुछ आशीर्वाद दीजिए, मुझे कुछ अच्छा आशीर्वाद दीजिए जो मेरे लिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या आशीर्वाद दिया इससे पहले जो लगा है? जैसे उन्होंने कहा कि गुरु जी हम तैयारी कर रहे हैं, हमें हमारे रिजल्ट निकल जाएगा, तो उन्होंने हमने कहा निकल जाएगा, निकल गया। क्या आपका आशीर्वाद लगता है? अभी आपका आशीर्वाद किस नेताओं के साथ है, मतलब भाजपा के साथ है या कांग्रेस के साथ? बस सबको दिया हूँ 30 साल में। नहीं, मायावती किसके साथ दिया हूँ? अखिलेश को भी दिया हूँ, मुलायम को भी दिया, राजनाथ को भी दिया, अमित शाह को भी दिया हूँ। आज भी जो हम व्यक्ति भी हम जाति से नेता से मतलब नहीं है, हमारा आशीर्वाद क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हम जब आशीर्वाद कोई मांगा, हमको तो धन त्याग है ना, तो पैसा चाहिए नहीं, तो हमारे लिए जो अच्छा आया जो पैर छुआ। अगर मुलायम सिंह ने कहा कि गुरुजी हमको कुछ कहिए, हमने कहा अमर है शुभ, जय है लाभ, कृष्ण मुलायम अर्जुन है अमिताभ, सबको मैंने सम्मान। सीपी के बारे में आपको कौन बताया? यहाँ पे मीडिया पे बोला जा सकता है? यहाँ बुलाया था प्रतीक ने। अच्छा। प्रतीक ने बुलाया था, प्रतीक त्रिवेदी। अब वो पैसा अब आज मेरे समझ में आ गया कि एक अरविंद त्रिवेदी था जो रामायण सीरियल में रावण था। अच्छा। दूसरा त्रिवेदी ये है जो हमको यहाँ बुला के आज आया नहीं। माफी चाहता हूँ, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आप हमारे जो देश में सांसद है 543 है, आप उन सबको आशीर्वाद देते हैं, ऐसा आशीर्वाद जनता को भी दे दीजिए जो इन पर BMW और मर्सिडीज गाड़ी हो जाए। नहीं, हमने दिया है जनता में, अगर पता करना चाहते हैं तो जनता। हाँ जनता, बहुत सारी सवाल किए। नहीं, आप पता करिए फोन जी, हमारे जिले में थाने में पता कर सकते हो, तहसील में पता कर सकते हो, वहाँ जनता से, जैसे हम जनता गई है। अच्छा, वो छोड़िए, राहुल गांधी को आगे आने वाले सालों में आप कहाँ देखते हैं? आपका आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ है या नहीं? राहुल गांधी के साथ आशीर्वाद है या? अगर उठा के देखिए तो पूरा UPA 9 की परिवर्तन यात्रा में पूरे भारत में था। UPA गवर्नमेंट में विलास राव देशमुख का प्रतिनिधित्व मैंने। अभी आपका है राहुल गांधी के साथ आशीर्वाद या नहीं? अभी किसी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ। अब किसी जो मुझे, मैंने 30 साल तो त्याग किया, अब जो मुझे देगा कुछ उसी के साथ होगा। आगे अरे बड़े यार तुम पागल, मुझे धन
धंधे का। अरे 30 साल तो मैंने नहीं किया कुछ, मैं 30 साल तो क्या किया। देखिए देखिए, जो मिनिस्टर बनाएगा नहीं, ये तभी से प्रवचन दे रहे थे तो हमने सुना क्यों ना इनका इंटरव्यू लिया जाए। कुर्सी देगा तुम उसके साथ चलोगे? चलो साथ नहीं, हमने सबको दिया उसकी दक्षिणा चाहिए। सुनिए सुनिए मेरा सवाल सुनिए, एक सेकंड, आप इतने देखिए आपका आशीर्वाद होना चाहिए। हम ना नेता है ना पब्लिक, अभी ये समझ नहीं पाए, हमको प्रतीक ने बुलाया था कुछ। अरे वो तो ठीक, जो बाबा जी ने त्याग किया वो हम क्या कह रहे हैं तुम लोग। अच्छा वो सब छोड़िए, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। ठीक, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। कौन? सुनिए, आप आशीर्वाद देते हैं, आपने बोला मेरा आशीर्वाद किसी के साथ नहीं है, जो आप मुझे कुछ देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। आप हमारे किसान सुनता है कि 2022 में मोदी जी ने बोला था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। कैसे करें, कैसे आय दुगनी करी उन्होंने मोदी जी ने? बताओ ना कैसे करी, बताओ। मतलब हर छह महीने में तुम्हें 6,000 रुपए मिलने, आय दुगनी नहीं हो रही? देखिए कितना लूट रहे हो, ये आपको पता नहीं है? पेट्रोल 110-115 आपके यानी हमारे एमपी में, हाँ बोलिए, तुम्हारे एमपी में क्या बोले बाबू जी? हम भी एक किसान के बेटा है। लीटर होना चाहिए? नहीं आप तो कितना होना चाहिए? 200 पार कर दो ना। ये हमारे यहाँ यहाँ फैक्ट्री लगी पड़ी है क्या? दिल्ली एनसीआर में क्या तेल की? भारत में हमारी कितनी फैक्ट्री है बताओ? फैक्ट्री लग पड़ी है, फॉरेन से आता है। ये जैसे हमारे यहाँ गंगा बह रही है वैसे पेट्रोल की नदियाँ बहती है क्या भारत में? वो भी तो आ रहा है, वो भी तो आ ही रहा है बाहर से, वो भी तो ला ही रहे ना उसमें। आपको जब 45-44 रुपए लीटर तेल था जब इन्हें महंगा लगता था, 110 रुपए लीटर तेल है, अब महंगा नहीं लग रहा है इन्हें, क्योंकि सरकार बीजेपी की है भाई। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता उस टाइम तनख्वाह भी तो होगी। आज उस समय 500 रुपए दिहाड़ी मजदूर, आज 600 रुपए ले रहा है दिहाड़ी मजदूर, 600 रुपए एक दिन की, 600 रुपए दूरबीन से ढूंढ रहे हैं, कहाँ खो गई 2013 से नजर ही नहीं आ रही। आपकी बार 400 पार, आपकी बार हैट्रिक, हैट्रिक, 500 पार, हैट्रिक, 500 पार। सुनिए सुनो मेरी बात, इस बार मिडिल स्टैम्प उखड़ेगा, मिडिल स्टैम्प पे ये बोले, इनको बोलो भैया। सही कह रहे हैं कि अगर ईवीएम है तो हकीकत में 400 पार और बिलेट पेपर से होगा ना तो ये सारे तड़ी पार, मैं गारंटी दे रहा हूँ अपनी। मोदी यूपीए की सरकार थी ना तो पेन पेपर पे काम होती थी और आम जनता का पैसा पैकेट मनी रहता था। आज मोदी जी की सरकार है तो किसान की अकाउंट में पैसा जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। देता है और उसके जेब से कितना छीना जाता है वो नहीं दिखता है। 1 मिनट, 1,000 रुपए आ रहे वो दिखता है किसानों को, जेब से जाता है। तुम्हारी जेब छीन ली क्या सरकार ने? बताओ ना तुम्हारी जेब छीन ली क्या सरकार ने? आपको कितने पैसे अकाउंट में जाता था ये बताइए, ये बताओ। अरे भैया आप 6,000 रुपए दे रहे हो ना, सीधी सी बात, 2024 में आपके जेब में कितना पैसा आता था बताओ ना? डीएपी खाद की बोरी 400 रुपए मिलती थी, आज वो 1,200 रुपए में मिल रही है। चावल गेहूं की कीमत क्या है पहले? आप केवल राजनीति कर रहे हैं भैया, हमारे किसान सोचो यार। मालिक राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जो किसान भाई जो है बॉर्डर पे आए हैं, बोतल चाहिए उनको बोतल। अभी सुनो इसके चमचा है ना, तो बीजेपी के चमचा ना कांग्रेस चमचा, हम तो किसान है, हम सबको काम करना चाहिए ना। अच्छा हम क्या कर रहे हो? हम ठंड मरे, हम ठंड मरे तुम वैसे खेती करो ना, मेरे लिए तो काम ही काम है, ब्राह्मण हूँ, मंदिर में भी बैठ सकता हूँ। मेरी बात सुनो आप, रात को 12 बजे 1-1 बजे तक हम पालन करते हैं, वही लगाओ भाई, सही बात बोल गए। हम ठंड मरते, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए मंदिर में भी काम है, मेरे लिए 12 बजे मेरे लिए की सारे दरवाजे खुले हैं, नौकरी कह रहा हूँ। एक मिनट इधर आइए भैया, मेरी बात सुनो, जो ब्राह्मण है वो कुछ भी करेगा और जो शूद्र चमार और इधर वैसे है तो वो क्या करेगा? कोई भी काम कर सकता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं। आपने ये क्यों कहा कि मैं मंदिर में भी बैठूंगा, मैं कुछ भी करूंगा? वही तो कह रहा हूँ, मंदिर में हम ले जाते क्या मंदिर सकते हैं? ब्राह्मण है तो देने वालों की कोई कमी नहीं है, लोग दान देते हैं और मेरे कंपनी में भी काम। दान का पैसा से खाते ना? अब दान से नहीं, मैं कंपनी में भी जॉब कर सकता हूँ।
बताओ ना, मैं कंपनी में घुस सकता है। मोदी भक्त जितने होंगे जाके गुरुद्वारे में बैठ के लंगर खाएंगे, बोल रोजगार देखो ना, जितने भी यहाँ पे युवा है पूछो किसी के पास जॉब है, जॉब के लिए सबके पास है जॉब है, एजुकेशन है, वह बेरोजगार नहीं है। बीए पैनल की हुआ हूँ मैं, कहाँ बेरोजगार कौन है बाप बड़े भाई, उनके पास 15,000 रुपए मांग रहे हैं। यहाँ पे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, पीछे बहुत सारे लोग हैं, आपके पास रोजगार है हमारा, ये बोल रहे हैं, पूछो किसी का जॉब है, कैसे खाली मिलते नहीं नहीं जॉब भाई नहीं है भाई, जॉब के लिए दोस्त है इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं दोस्त नहीं, कोई दोस्त नहीं है मेरा यहाँ पे, दोस्त नहीं है आपके पास, रोजगार है अभी नहीं है, जॉब नहीं, देखो किसी से पूछो, जिनके पास मैरिट, अब बताइए 10वीं फेल है और सीएम के लिए फ्री का मिल रहा है, कभी चले जाए गुरुद्वारे, कभी मंदिर में लंगर खा रहे बैठ के, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, फ्री फंड में 1 रुपए शरीर कम से कम हिला लो, फिर मेहनत कर लो भाई साहब, एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होगा तभी कलेक्टर बनोगे। एजुकेशन वाले को बोला गया कि पकौड़ा बना बना के बेचो, पत्थर फेंकोगे तभी नौकरी मिलेगी। पत्थर फेंक रहा है कांग्रेस की शासन में यहाँ से लेके बम्बई तक ब्लास्ट हुई थी, आज मोदी की सरकार में चौड़ा होके घूम रहे हो। अच्छा मोदी के सरकार में बेरोजगारी है, रोजगार तो है नहीं, रोजगार का नाम तो बिल्कुल खत्म हो गया, रोजगार के नाम लिए ही ना, हर कोई भी नौकरी, अगर छोटी भी नौकरी देखने जाओगे तो 10,000-15,000 वहाँ पे भी डिमांड रहे हैं। मैम बस ऐसा कुछ नहीं है, सब धर्म पे लड़ रहे हैं कि इससे उससे लड़ना है, इससे उससे लड़ना है, जो मुद्दा जो होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, जिसके लिए सरकार बनी है गवर्नमेंट। और भी युवा क्या लग रहा है, धर्म पे लड़ाई हो रही है, धर्म क्या करेगा उसमें, धर्म की लड़ाई हो रही है। नहीं धर्म की किस बात की लड़ाई है, कोई बेरोजगारी है, सब एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, महीने में 300 रुपए मोबाइल के लिए चाहिए, और बेरोजगार होता था, अगर मैं ही बेरोजगार हूँ, मैं फोन चला रहा हूँ तो 300 रुपए बेरोजगार है ना, ना ये कह रहे हैं ना बेरोजगार हूँ, तो बेरोजगार से अगर मैं बेरोजगार हूँ तो इसमें अगर महीने में फोन चार्ज करना है तो कहाँ से लाऊंगा, जब रोजगार करूंगा तभी तो चार्ज डालूंगा ना फिर। अच्छा आप भी ब्राह्मण है क्या, क्या ब्राह्मण है, मैं छत्री हूँ, छत्री है तो आपको तो दान नहीं मिलता होगा क्या, हम दान मिलता है, मैं खुद दान देता हूँ, ये कह रहे हैं इनको दान तो मिलता है, ब्राह्मणों का तो होता ही है। एक बहन एक बात मैं कहना चाह रहा था, एक मिनट, हिंदुस्तान में ऐसे भी एक इंसान है कोई दान पेटी में दान देते हैं, कई ऐसे इंसान हैं कि दान पेटी के तोड़ के अपनी बीवी बच्चे को भी ले देते हैं, ये कौन है बोलो, है जो पत्थर फेंकते हैं, कौन है पत्थर फेंकने वाला, कौन है, यूपीए की सरकार में यहाँ से लेके बम्बई तक ब्लास्ट करवाए थे, कौन मुसलमान, कांग्रेस, कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस ने ब्लास्ट करवाया था, और क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, ना 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 मैं खुल के कह रहा हूँ। अच्छा पुलवामा हमला जो हुआ उसका क्या, किसने करवाया, पुलवामा 40 सैनिक शहीद हुए थे, मोदी ने क्या हुआ, आज 40 सैनिक शहीद हुए थे पुलवामा में, उनका क्या, उनका जवाब दो ना भैया, वो कौन करवाए, तो वो बीजेपी सरकार थी क्या, वो कांग्रेस सरकार कह रही है कि कांग्रेस ने देश को बनाया, कांग्रेस ने गर्व से पैदा करा ना भारत को, उससे वाला भारत नहीं होता था। और मेरी बात सुन लो, इन्होंने कहा कि अटैक करवाया, इन्होंने कहा अटैक करवाया, पुलवामा हमला अटैक करा भाई, पाकिस्तान का पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री बात तो सुन लो, इन्होंने कहा कांग्रेस, इन्होंने कहा कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आपने बोला है कांग्रेस ने ब्लास्ट करवाया, हाँ कांग्रेस की सरकार थी, आपने बोला है कांग्रेस, और कांग्रेस की सरकार में ये घटना घटी, भाजपा, अच्छा ठीक है, एक मोदी जी की सरकार में पुलवामा हुआ, आज मोदी जी की सरकार पुलवामा हुआ, सैनिक शहीद हुए उनका जवाब दो, हाँ तो उनका जवाब करके सुने सुने, ठीक है, अब जल किसके सरकार में फांसी थी बताओ ना, ये कांग्रेस के शांति के जिनको साफ चाहिए क्या, वो बारूद बना के बैठाया था कांग्रेसियों ने, जेल में 4 साल पास पोड़ा, आप लोग सील कर रखे हो क्या, ये अभी का टाइम है, आराम से ये बताइए, ठीक है, एक सेकंड, दुनिया भर के बम फूटे, अब फोड़ के दिखा दो, अब फोड़ के दिखा दो विजय, अब फोड़ के दिखा दो ना, दाऊद ओपन घूमता था मुंबई में कांग्रेस के राज में,
अगर वहाँ बाला साहब ठाकरे नीचे नहीं होता ना तो वो ना जाने क्या कर देता, वो फिल्म इंडस्ट्री उसके पैर की जूती था। और जब से बीजेपी की सरकार आया कुत्ते की तरह दुम चले गया पाकिस्तान, अब कुत्ते की तरह दुम चले गया। अब करके दिखा दो तुम पे दम है तो, 56 इंच का चौड़ा बैठा है ना तुम्हारा बाप यहाँ पे हमारे मोदी जी। हाँ जी है लंबे चौड़े देखो है ना, आपने भी देखा होगा, मैंने खुद देखा सामने में बीजेपी दफ्तर में ओपन देखा है मैंने 56 इंच का। 15 लाख रुपए इनको दे, खुद से कमा नहीं सकते ये लोग। पहली बात मेरी बात सुनो, 15 लाख रुपए देने की बात कही भी नहीं थी। कौन से मैनिफेस्टो में कही थी? मैनिफेस्टो पढ़ते भी हो क्या? पढ़ते हो भाई साहब 2014 में और ना 2 करोड़ रोजगार देने की बात ये भी कुछ कह रहे हैं। 15 लाख सपोज अगर हम कहते हैं कि 15 लाख देगी, एक मिनट सरकार कहाँ से दे देगी? हम लोग टैक्स देंगे, आप टैक्स दोगे, ये टैक्स देंगे। अगर इनको मैं हम सबसे चंदा इकट्ठा करके इनको दे दूं जिनको जरूरत नहीं है, हम क्यों दें? जो ब्लैक मनी था मोदी जी ने बोला था कि ब्लैक मनी लाएंगे वापस, कितना ला दिए भैया ब्लैक मनी बाहर से? हमारा डिफेंस बजट कितना है? डिफेंस बजट कितना हमारा कितना है बताओ? नहीं बताओ कितना है बताइए, जो चीज आप मुझे डिफेंस बजट बताइए। 15 लाख रुपए पेड़ पे हम करो कर्मंडे वादिकारस्ते माफले, कर्म करने से फल की प्राप्ति नहीं होती, अपने आप खाने की प्लेट नहीं आएगी सामने में, कर्म करो पेड़ में लगे हैं क्या पत्तों की तरह? 15 लाख रुपए हैं हिला दो पेड़ गिर जाएगा। कांग्रेस कहती थी कि गरीबों को बैठाए, मोदी जी क्या कहा कि आपके अकाउंट में 15 लाख दे देंगे।